ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर से तूल पकड़ चुका है। सालों से इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी और चयन बोर्ड के बीच खींचातानी जारी है। ये मामला एक बार फिर से सरकार के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में फ्रेश लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। वहीं इस फैसले के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को लेकर एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और साथ ही कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसमें वो अभ्यर्थियों के संघर्ष के साथी बने नजर आ रहे हैं। पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर ने अपने दिनों की यादों को ताजा करते हुए लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के पीड़ित अभ्यर्थियों के संघर्ष के साथ आजाद समाज पार्टी शुरुआत से ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चाहे सड़क पर उतरकर आंदोलन हो, विधानसभा का घेराव हो या फिर इको गार्डन में रात भर धरने पर बैठना, मैंने कई रातें इन आंदोलनकारी छात्रों के बीच में ही बिताई हैं। इसीलिए इनके दर्द को करीब से महसूस करते हुए सांसद बनने के बाद सदन में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन योगी सरकार लगातार नजरअंदाज करती रही, क्योंकि ये विषय दलित वर्ग के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला था। अब जब इस आरक्षण घोटाले को माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने भी मान लिया है, तो योगी सरकार ने डैमेज कंट्रोल के तहत इस मामले में तेजी दिखाते हुए बैठक बुलाई है। हमारी पार्टी इस पूरे मामले पर नजदीक से निगाह बनाए हुए है, इसीलिए बैठक करते समय इस बात को जरूर ध्यान रखें कि इस बार पिछड़े दलित समाज के इन बच्चों के साथ कोई अन्याय ना हो पाए। पहले योगी सरकार कोर्ट में मामला होने का बहाना बनाती थी, अब तो हाईकोर्ट ने भी मान लिया कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तो इस बार सरकार इन अभ्यर्थियों के संघर्ष को समाप्त करने वाला निर्णय लेकर इनको इको गार्डन नहीं बल्कि विद्यालय भेजने का निर्णय करे। ध्यान रखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर इस बार इन अभ्यर्थियों के साथ कोई साजिश हुई तो अब की बार जो आंदोलन होगा वो सरकार को उखाड़ फेंकने से पहले नहीं रुकेगा। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे। इसमें विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश भी दिया है। इसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत करने के से आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।